सो so सेटिंग्स के सब एरिया अभी तक आपने देख लिए। एक एरिया जो कि बहुत क्रूशल रहेगा आपके इस लर्निंग जर्नी में इसका नाम है परमालिंक्स ये लफ्ज अपने जहनों में बिठा लें बिकॉज इस लफ्ज की वजह से आप अपना फ्यूचर डिफाइन करेंगे आप डिफाइन करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर फ्री या स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं कि नहीं सो so क्या है ये परमालिंक्स एंड वाई इज़ इट सो इंपॉर्टेंट बट बिफोर आई गेट टू दैट याद रखें कि जो सेटिंग्स का एरिया दैट्स वर्ल्ड प्रेस का ब्रेन डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एरिया एंड बी वेयर कि अगर आप कोई भी छोटी मोटी सेटिंग ऊपर नीचे करेंगे यू कैन डू अ लॉट ऑफ टू योर वेबसाइट सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इससे पहले कि परमा लिंक्स और सेटिंग्स के बारे में जाए लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि परमा लिंक्स होते क्या हैं, क्यों जरूरी हैं परमा लिंक्स जो लफ्ज़ है

कि आपकी साइट क्या है क्यों है और किस तरह का कंटेंट आपकी साइट पे एग्जिस्ट करता है दैट्स वाई परमा लिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट आपने यह सुना होगा लव सर्च एस ऑप्टिमाइजेशन ओ और आप काफी ज्यादा ये लव सुनेंगे भी एंड यू विल एक्चुअली वर्क विद एक्सपर्ट्स लाइक उस्मान लतीफ हुनिंग एस सी ओ कोर्स ऑन डी जी स्किल्स उनके कोर्स को भी साइन अप करना ना भूलिएगा वो आपको ज्यादा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है परमालिंक्स को इग्नोर ना करें सो so गूगल जब भी कोई कंटेंट इंडेक्स करता है तो गूगल देखता है कि इसके परमा लिंक्स कैसे हैं और अगर वो एस से रिलेटेड uh, हो या एस सी ओ ऑप्टिमाइज परमा लिंक्स हो गूगल विल रैंक योर वेबसाइट वेरी हाई एंड आर ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वन दैट्स रनिंग अ वर्ड प्रेस वेबसाइट इज के वी गेट मोर ट्रैफिक वी गेट मोर यूजर्स

enable you to configure the URL format that is displayed on the web browser when someone browses your website. So permalinks वो छोटा सा link है जो आपकी website पर नजर आएगा जब लोग आपकी website को browse करेंगे और कभी कभी तो उस link की वजह से ही लोगों को पता लग जाता है कि ये site किस बारे में है और इसका comment या content क्या होगा WordPress by default व इट्स ओन परमाट जिसमें एक uh, मैं भी आपको दिखाऊंगा नंबर नजर आ रहा होता है बट यू कैन चेंज दिस टू मेक इट अ मोर यूजर फ्रेंडली यू आर एल और अ मोर एस सी ओ ऑप्टीमाइज यू आर एल और एस सीओ ऑप्टीमाइज यू आर एल क्या होते हैं यू विल गेट टू नो इन अब जिस तरह की मैंने आपको बताया कि यह सारी ऑप्शन दे हेल्प यू विद एस सीओ इट्स वेरी क्रूशल कि आप परमा लिंक्स को देखें और आप इसके बारे में जाके पढ़ें कि परमानिक्स कैसे साइट को ज़्यादा एस सी ओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं टू चेंज द यू आर एल ऑफ़ योर वेबसाइट यू विल सिंपली गो टू सेटिंग्स इन परमानिक्स एंड वहां पर आप रेडियो बटन ऑप्शन आपके पास कुछ होंगे उससे सिलेक्ट करके कोई कॉमन परमानें ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या यू कैन यूज़ अ स्पेसिफिक कस्टमाइज फॉर्मैट टू चेंज परमानस सो जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास एक लिस्ट है उस लिस्ट में से आप परमालिंक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप एक कस्टम स्ट्रक्चर भी अपने परमानेंट्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं साथ ही साथ आप कैटेगरी के बेस यू को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो सो नाउ दैट वी हैर्न सो मच अबाउट परमा क्यों ना मिलके इसको ज़रा ट्राई करें और देखें कि परमा क्या होते हैं कैसे होते हैं और कैसे ये हमारी साइट को एसियो ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ फेमस वेबसाइट्स पे ले जाना चाहूंगा और उनके परमा लिंक दिखाऊंगा सो वील गो टू प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के हम ये साइट खोलेंगे सो so जैसे कि आप प्रो पाकिस्तानी का यू आर एल स्ट्रक्चर यहां पे देख सकते हैं कि प्रो पाकिस्तानी का एक यू आर एल स्ट्रक्चर है जिसमें उनके नाम सबसे पहले है, जो मैंने हाईलाइट किया साथ ही साथ उसके बाद ईयर है मंथ है और डे और फिर कीवर्ड्स है सो दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड बाय एस एक्सपर्ट्स एंड बाय बायस एक्सपर्ट्स एज वेल क्योंकि आपके परमा लिंक में आपके कंटेंट की रेलिवेंसी टाइम फ्रीक्वेंसी नजर आनी चाहिए आपकी वेबसाइट का कीवर्ड नजर आना चाहिए और साथ ही साथ जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड की नजर आने चाहिए सो नाउ वट वील डू इज विल गो लाइव ऑन आर साइट एंड वील सी हाउ वी कैन चेंज परमा लिंक्स परमा लिंक्स जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं मेरी वेबसाइट के परमा लिंक्स बड़े सिंपल से हैं और वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरी वेबसाइट के परमा लिंक है जिसमें सिर्फ पी के आगे एक नंबर लिखा हुआ है दिस इज द डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट फॉर परमा लिंक्स ऑन वर्ल्ड प्रेस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एस सी सो आपसे सजेशन ये कि आप इसको किसी और फॉर्मेट पे चेंज कर लें सो आई लाइक द मंथ एंड द नेम तो मैं उसको मंथ और नेम से सेव कर लूँगा एंड नाउ आई एल सी कि मेरी पोस्ट कैसे अपडेट होती है सो so आप देख रहे हैं कि मेरी पोस्ट में टॉप पे कीवर्ड्स आ गए हैं मंथ आ गया है और साथ ही साथ ईयर भी आ गया एंड द परमा लिंक हैज चेंजड सो इसी तरह अगर मैं कोई कस्टम परमान लिंक बनाना चाहूँ तो आई कैन ऐड डे एज वेल लेट मी ट्राई एडिंग अ कस्टम स्ट्रक्चर जिसमें ईयर होगा मंथ होगा डे होगा और ऑथर भी होगा सबको मैं सेव कर लेता हूं और अब मैं अपने देखता हूं कि मेरा परमालिंग कैसे चेंज हुआ सो यू कैन सी द परमालिंग हैज चेंज नाउ पोस्ट नेम डालना में भूल गया था पोस्ट नेम भी डाल देते हैं अब देखते हैं कि हाउ द परमालिंग चेंजेस सो दिस परमालिंग Has now अब इसमें मेरा नाम भी आ रहा है ईयर भी आ रहा है मंथ भी आ रहा है डेट भी आ रही है तो ये आप पे है कि आपने परमानेंट कैसे डालनी है उसके अलावा कैटेगरी बेस का भी आप परमानेंट चेंज कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ है प्राइवेसी में ये वर्ड ने एक नई फीचर डाली है जो कि पहले वर्ड में नहीं होती थी कि अब आप सेटिंग्स में प्राइवेसी का भी एक पेज है जो आप डिफाइन कर सकते हैं हमने इस पर डेडिकेटेड लेसन नहीं बनाया हुआ but we want you to explore this part as well and create a dedicated privacy page because now there are laws like GDPR. This is it's important for you to create a privacy policy. So we learned this lesson that permalinks, ko use karte you can make your site number one on Google with the right permalinks. Success will be after you if you follow good quality practices. So stay with us and keep learning.